अभी खबर आपको दें, बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की दौड़ से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के इंतखाब से मुतालिक फहरिस्त जारी कर दी है। 38 उम्मीदवारों में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। आपको बता रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लिस्ट जारी कर दी है। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की दौड़ से बाहर हो गए हैं। नई लिस्ट जारी की गई है। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की दौड़ से बाहर हो गए हैं। गुलाम हुसैन आवान इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे। गुलाम हुसैन बताइए। जी बिल्कुल, आज जो है वो 3-4 रोज से जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी कमेटी है जो कि एक जज की सरबराही में बनाई गई थी। आज उन्होंने जो है वो इस हवाले से नाम फाइनल किए, तो उसके अंदर जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम भी जो है वो फारिग कर दिया गया। और ज़रा ये बता रही हैं, चूँकि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सजा याफ्ता हैं और इसलिए जो है वो उनका नाम इस जो है वो दौर से बाहर किया गया है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि तकरीबन 6 से 7 पाकिस्तानी नजाद जो हैं वो इस दौर के अंदर अभी भी शामिल हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जी चांसलरशिप का जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। 38 उम्मीदवारों की जो है वो फहरिस्त जारी की गई है, जिनके अंदर जो है वो बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। ये भी आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता हफ्ते जब स्क्रूटनी कमेटी ने ये जारी किया कि हम जो है वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करके और जो है वो फिर नाम फाइनल करेंगे, तो उस वक्त से ये क्या सराहियाँ जारी थी कि साबिक वज़ीर आज़म का नाम जो है वो इससे निकल सकता है, क्योंकि इसकी एक और वजह भी थी कि जो रूल्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा वो 10 साल तक जो है वो सियासी अमल में हिस्सा नहीं ले सकता। तो जाहिर है इससे भी जो है वो लोगों को ये शायबा मिलना शुरू हो गया था कि इसके अंदर ये सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो नाम उस वक्त जो है वो भेजा गया था कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अदरवाइज इस तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो पहले भी नजर नहीं आ रही थी। अभी भी आपको बताऊँ कि जो 38 उम्मीदवारों के जो नाम जारी किया गया है ये, यानी कि 38 उम्मीदवारों में बानी पीटीआई का आप नाम शामिल नहीं है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।